हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं GIDC एरिया में। यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे स्मोकलेस वुड स्टोव का उपयोग चाय बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है। आर्यन टी एंड नाश्ता हाउस है यहाँ पे। आज हम देखेंगे, ये उनका शॉप है और यहाँ पे स्मोकलेस वुड स्टोव जो कॉमर्शियल मॉडल है BF EXXL उस पर यहाँ पे चाय बनाई जा रही है। तो आज हम इस वीडियो में इस स्टोव को कैसे यूज़ करते हैं वो सारा हम देखेंगे और इस स्टोव से किस तरह से गैस की बचत होती है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। सबसे पहले हमें इसके अंदर थोड़ा सा डीजल या मिट्टी का तेल कुछ भी आप डाल के एक बार जला देना है। इसमें आप ऊपर के होल तक लकड़ी डाल सकते हैं। इसमें 3 kg जितनी लकड़ी आप इसमें डाल सकते हैं। एक बार लकड़ी डालने के बाद इसमें थोड़ा सा डीजल ऑयल या कोई भी मिट्टी का तेल कुछ भी डाल के आप माचिस की तीली से इसको जला सकते हैं। आपको एक बार इसको मैन्युअली जलाना है। इस तरह से इसको मैन्युअली एक बार जला लीजिए। जलाने के वक्त आपको जो नीचे लगा हुआ फ़ैन है वो फ़ैन ऑन नहीं करना है। जब तक यहाँ पे लकड़ी आग नहीं पकड़ लेती तब तक इसको नॉर्मली जलने देना है। इस तरह से नॉर्मल इसको जलने देना है जब तक लकड़ी आग नहीं पकड़ लेती। जब लकड़ी प्रॉपर आग पकड़ ले उसके बाद इस स्टोव के साथ दिए जाने वाले एडाप्टर से आपको इस चूल्हे को लो में डाल के लो में फ़ैन को ऑन करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो फ़ैन ऑन हो गया है। जैसे ही हमने इसको लो में ऑन किया आग प्रॉपर चल रही है और यहाँ पे धुआँ जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़ा सा भी धुआँ नहीं हो रहा है। अब इसको ये प्रॉपर हमारा वेसल रखने के लिए रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पे वेसल रखेंगे। ये हवा अभी हमारा चाय बनाने के लिए हमने इस पे वेसल रख दिया है। अब हम इसको हाई कर सकते हैं। अभी अगर हमें हाई करना है तो यहाँ पे हाई पिन में आप डाल दोगे तो जैसे ही हाई पिन में डालोगे इसका जो प्रेशर है आग का वो बढ़ जाएगा। इस तरह से ये जो चूल्हा है इसमें जो नीचे फैन लगा हुआ है यहाँ पे बॉटम में उसको चलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि अभी हमने एडाप्टर से इसको चालू किया है तो मैं आपको एडाप्टर भी दिखा देता हूँ। ये जो हमारा जैसे मोबाइल का एडाप्टर होता है वैसा 6 volt DC का इसके साथ में एडाप्टर दिया जाता है। उसी एडाप्टर से हमें इसे पावर देना है। तो ये सिर्फ मोबाइल चार्जिंग जैसा है। मोबाइल चार्जिंग पे आप जैसे रखते हो उतना ही वोल्टेज इसमें जाता है 6 volt DC। तो इसका बिजली का बिल कुछ भी आने वाला नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे नॉर्मल चूल्हे के अंदर लकड़ी जलती है तो स्मोक निकलता है, उसमें लकड़ी की खपत ज़्यादा होती है, कोयला बनता है और आखिर में आपकी लकड़ी बहुत सी वेस्ट जाती है और उसका प्रॉपर जो आग है वो मिलता नहीं है। लेकिन इस चूल्हे के अंदर जो फैन लगा है उसकी मदद से आप देखेंगे तो ये प्रॉपर जैसे कि गैस जल रहा है उसी तरह से जल रहा है और इसका टेम्परेचर भी बहुत ही हाई मिलेगा आपको। तो आप इसको खाना पकाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला मॉडल जो हमारा है वो होटल रेस्टोरेंट के लिए यूज़ होता है और इसे छोटे वाला डोमेस्टिक मॉडल आता है वो घर के कुकिंग के लिए यूज़ होता है। अभी यहाँ हमारे पास दुकान के जो ये टी स्टॉल वाले हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है तो हम उनसे भी बात करेंगे। तो अभी हम इसको लो में डालेंगे क्योंकि चाय बन रही है। अभी चाय बन रही है तो इसको पहले हम लो में चलाएंगे थोड़ी देर।
उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम हाई करेंगे। क्या नाम है आपका? दशरथ। दशरथ भाई नाम है इनका। और मैं आपसे थोड़े से सवाल पूछूंगा, जैसे कि आप अभी तक तो ये गैस के चूल्हे पे आप ये चाय बना रहे हैं, बराबर, तो आप पूरे दिन के अंदर कितने लीटर का चाय बनाते हैं? 20 लीटर। 20 लीटर का चाय बनाते हैं, तो आपका जो चाय है वो सुबह और शाम दो टाइम बनती होगी? तीन टाइम बनती है। तो सुबह कितने घंटे तक ये चाय बनती है? आधा घंटा। और दोपहर को आधा घंटा। और शाम को भी आधा घंटा। तीन टाइम बनती है, बराबर। तो आधा घंटा, तो हम 1.5 घंटा पूरे दिन का गिनेंगे, बराबर, कि 1.5 घंटा आपका गैस जलता है। तो आपका जो नॉर्मली गैस होता है एक सिलेंडर, वो कितने दिन तक चलता है? 15 दिन। 15 दिन चलता है, यानी वो 1000 रुपये के आसपास मिलता है या कितने में मिलता है? 1200 रुपये। 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये का जो सिलेंडर होता है वो उनका 15 दिन तक चलता है। अभी आप देख सकते हैं, हमने 6 मिनट का ये वीडियो है, 6 मिनट के अंदर चाय उबलना स्टार्ट हो गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो गैस की अगर हम तुलना करें तो गैस सिलेंडर जो 1200 रुपये का आता है वो 15 दिन तक चलता है इनको। अगर इस चूल्हे की बात करें तो इसमें 3 केजी लकड़ी 1 घंटे तक चलती है, यानी कि 3 केजी लकड़ी है, 1 केजी लकड़ी का अभी हम रेट देखें तो ये 100 मिल में आपको 5 से 6 रुपये में पर केजी मिल जाएगा। तो अगर 5 से 6 रुपये पर केजी अगर हम कैलकुलेशन करें तो 15 रुपये की लकड़ी में आपका 1 घंटे तक ये स्टोव चलता है। तो पूरे दिन का आप 15 से 20 रुपये में आपका 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक का काम आप कर सकते हैं इसमें। तो 600 रुपये में आपका पूरा महीना ये स्टोव चलेगा, 600 रुपये में, यानी कि पूरे महीने की अगर बात करें तो आप 1200 रुपये जितना इसमें बचत कर सकते हैं। वो छू तो नहीं था, भर करना। अभी इस चूल्हे के अंदर हमने एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, अगर आपकी शॉप पे या घर पे कहीं पे आपकी दुकान पर अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका ये सोलर पैनल, ये 6 वोल्ट 3 वॉट का सोलर पैनल आता है, नॉर्मली 1 फीट जितना इसका हाइट है, तो ये 6 वोल्ट का सोलर पैनल आता है। ये सोलर पैनल एक्स्ट्रा एसेसरी की तरह से है, आपको मिलेगा, ये एक्स्ट्रा आपको इसको परचेस करना रहेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो ये जो सोलर पैनल है आप इसको धूप में रख देंगे तो इसकी मदद से आप इस चूल्हे को चला सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने सोलर पैनल का जो आउटपुट है वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जैसे ही उसे धूप में ले जाया जाएगा सोलर पैनल को, ये चूल्हा जलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन ऑन हो गया है, अभी ये हमारा सोलर पैनल, ये सोलर पैनल से 6 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है और ये चल रहा है, यानी कि आपको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी मोबाइल चार्जिंग जैसा है, अगर आप इसे एडाप्टर से भी यूज़ करते हो तो एक साल में 15 से 20 रुपये से ज़्यादा इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आने वाला। अभी अगर आपको सोलर पैनल परचेज नहीं करना है तो एक यूएसबी वायर, ये यूएसबी वायर है, ये यूएसबी केबल 2 मीटर का एक केबल है, ये 2 मीटर के केबल को अगर आप परचेस कर लेते हो तो अपने पास जो मोबाइल का पावर बैंक रहता है वो मोबाइल के पावर बैंक से आप इसको चला सकते हो। तो अभी हम इसको चला के दिखाएंगे। ये हमारा मोबाइल पावर बैंक है जो हम मोबाइल चार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं, ये इसके अंदर हमने मोबाइल पावर बैंक में हमने लगा दिया है, ये हमने मोबाइल पावर बैंक में ये इनपुट दे दिया है, यहाँ से आउटपुट से ये हमारा फैन चल रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन हमारा
मोबाइल पावर बैंक की मदद से चल रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अभी हमने इस चूल्हे पे 10 लीटर का चाय बनाया है और हमने इसके अंदर 3 kg लकड़ी डाला था, तो आप देख सकते हैं कि हमारा चाय जो है 10 लीटर का बन के तैयार हो चुका है, फिर भी इसके अंदर इतनी सारी लकड़ी अभी तक पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं इसके अंदर इतनी सारी लकड़ी अभी भी पड़ी हुई है। अगर आपको इस चूल्हे को दोबारा यूज़ नहीं करना है अभी के लिए, तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये दो साइड पे जो स्टैंड दिए हैं पकड़ने के लिए हैंडल दिया है, उस हैंडल की मदद से इसके अंदर जो भी लकड़ी पड़ी हुई जली हुई उसको ज़मीन पर खाली कर देना है। ज़मीन पर खाली करने के बाद वो जो कोयला है, कोयले के ऊपर आप पानी डाल सकते हो, पानी डाल के उसको कोयला बनाकर जब वो कोयला सूख जाए तो इसी चूल्हे के अंदर फिर से आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप ऐसे ही इसको जलते रहने देंगे तो ये पूरा राख हो जाएगा। इसको एडाप्टर लगा के रखना है ताकि ये पूरा जल जाए, लेकिन अगर इसमें ज़्यादा लकड़ी है तो इसको खाली कर देना अच्छा है, क्योंकि यही कोयला हम फिर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम पर। इसके अंदर कभी भी पानी नहीं डालना है चूल्हे के अंदर, लेकिन इसको कोयला खाली करने के बाद आप इसमें उसके ऊपर पानी डाल के वो आप कर सकते हो, इसको फिर से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉमर्शियल मॉडल है, ये अमेज़ोन में भी अवेलेबल है, आप अमेज़ोन से भी परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारा एक डोमेस्टिक मॉडल भी है सेम पीस में, इसका साइज़ छोटा है, वो फैमिली के लिए है, तो उसका भी मैं लिंक अमेज़ोन का आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, तो आप वहां से परचेस कर सकते हो, या फिर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी यहां पे दे रहा हूं, आप हमारा कॉन्टैक्ट करके भी ये प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं।